हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गड्डी वाला में। मैं हूं राहुल और आज हम बात करने वाले हैं पांच अपकमिंग बाइक्स के बारे में जो कि 2021 में लॉन्च होने वाली हैं और कंपनी ने अभी से उनके बारे में कुछ रिवील कर दिया है, जैसे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन कि बाइक कब लॉन्च हो सकती है और आपको किस सेगमेंट में बाइक देखने को मिल सकती है। तो जो भी कंपनी ने अनाउंस किया वही मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। जो बाइक्स आने वाली हैं उसमें आपको क्या इंजन स्पेसिफिकेशन मिलने वाली है और क्या उसका प्राइस हो सकता है और साथ ही साथ बाइक कब लॉन्च होगी, तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, जो भी लिस्ट में बाइक्स हैं वो ज़्यादातर एडवेंचर बाइक है और कई कंपनी ऐसी हैं जिनकी पहली बाइक होने वाली है, उन्होंने कभी एडवेंचर बाइक इंडिया में लॉन्च नहीं किया और उनकी जो ये बाइक्स हैं वो पहली एडवेंचर बाइक्स होने वाली हैं और शायद ये इंडियन मार्केट में धमाल भी मचा सके, तो उन्हीं के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे चैनल में जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसका अपडेट और नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारी लिस्ट में जो पहली बाइक है वो है TVS की तरफ से, TVS ज़ेप्लिन, जो बाइक को TVS ने 2018 में शोकेस किया था ऑटो एक्सपो में और उस वक्त ये लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी और अब TVS ने इसका नाम बदल दिया है, TVS ज़ेप्लिन से TVS रोनिन हो गया है, जो कि ये बाइक एक क्रूज़र बाइक है और एक प्रीमियम, आप कह सकते हो प्रीमियम क्रूज़र बाइक है और उसमें आपको काफ़ी हाईटेक एडवांस फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आपको अपाचेस में स्मार्ट एक्स कनेक्ट टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है और साथ ही साथ स्लीपर क्लच जैसे या ABS जैसे जो भी एडवांस फीचर हैं वो आपको सभी फीचर्स इस बाइक में देखने को मिल जाएंगे। अगर हम बात करें इंजन स्पेसिफिकेशन की तो इस बाइक की जो इंजन स्पेसिफिकेशन है वो है 220cc का सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक ऑयल कूल्ड फ्यूल इंजेक्शन के साथ BS6 कंप्लायंट इंजन, जो कि पावर जनरेट करेगा 20 से 22 BHP की और साथ ही टॉर्क जनरेट करेगा 18 Nm की। अगर हम बात करें गियर बॉक्स की तो इस बाइक में आपको 5-speed मैनुअल गियर बॉक्स भी देखने को मिल जाएगा और जो इस बाइक का इंडियन मार्केट में प्राइस होने वाला है वो 125,000 से 130,000 के आसपास होने वाला है। अगर हम बात करें लॉन्च डेट की तो इसकी जो लॉन्च डेट है बताई जा रही है वो 2020 के एंड में बताई जा रही है, अगर किसी वजह से देरी नहीं होती है तो। अगर बाई चांस कोई रीज़न की वजह से अगर देरी होती भी है तो ये बाइक 2021 के जनवरी मंथ में लॉन्च हो जाएगी इंडियन मार्केट में और ये TVS की तरफ से कंफर्म है। अगर हम अपने लिस्ट की दूसरी बाइक के बारे में बात करें तो वो भी TVS की तरफ से है। TVS ने कुछ टाइम पहले अपनी वेबसाइट पे ये शोकेस किया था कि वो एक अपाचे RR310 बेस्ड, मतलब इंजन वही यूज़ करेंगे और उस बेस्ड एक एडवेंचर बाइक लॉन्च कर सकते हैं 2021 पे, और वहाँ पे उन्होंने लिखा था कमिंग सून, तो जल्द ही बाइक आपको देखने को भी मिल जाएगी, एक एडवेंचर बाइक जिसमें अपाचे RR310 का इंजन यूज़ होगा बट उसे थोड़ा सा ट्यून किया जाएगा ताकि वो एडवेंचर बाइक के तौर पे यूज़ किया जा सके, क्योंकि एडवेंचर बाइक्स में ज़्यादातर टॉर्क की अहमियत ज़्यादा होती है, टॉर्क ज़्यादा चाहिए होता है एज़ कम्पेयर टू पावर के, क्योंकि अगर हम स्पोर्ट्स बाइक हमको चाहिए तो उसमें हमको पावर चाहिए होती है और अपाचे RR310 एक स्पोर्ट्स बाइक है। अगर हम उसका एडवेंचर सीरीज देखते हैं तो उसको इंजन को वहाँ थोड़ा सा ट्यून करना पड़ेगा और साथ ही साथ उसमें आपको कई एडवांस फीचर भी देखने को मिल जाएंगे, और अब वेट करते हैं कि बाइक कब आपको देखने को मिल जाती है। अगर हम बात करें इंजन स्पेसिफिकेशन की तो इस बाइक में आपको 313cc का सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक ऑयल कूल्ड BS6 कंप्लायंट इंजन देखने को मिल जाएगा, जो कि पावर जनरेट करेगा 34 BHP की, साथ ही साथ टॉर्क जनरेट करेगा 27.3 Nm की, और इस बाइक में आपको 6-speed मैनुअल गियरबॉक्स भी देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें प्राइस की तो अपाचे RR310 का जो प्राइस है वो 240,000 के आसपास है इंडियन मार्केट में, एक्शोरूम प्राइस में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो एडवेंचर बाइक आएगी उसका 260,000 रुपये तक आसपास प्राइस हो सकता है, क्योंकि मैं एक्सपेक्टेड प्राइस बता रहा हूँ, जो रियल प्राइस होगा वो बाइक लॉन्च होने के बाद ही पता लगेगा। अगर हम बात करें इस बाइक की लॉन्च डेट की तो ये बाइक आपको अगस्त सितंबर 2021 में देखने को मिल सकती है। और अगर हम अपने लिस्ट की तीसरी बाइक के बारे में बात करें तो वो है KTM की तरफ से। KTM ने इस साल 2020 के स्टार्टिंग में ही ये अनाउंस कर दिया था कि वो 490 सीरीज़ के ऊपर काम कर रहा है, क्योंकि BS6 की वजह से KTM ने 790 जो इंडिया में सबसे ज़्यादा CC की बाइक थी उसे डिसकंटिन्यू कर दिया है और अब इंडिया में 390 सबसे ज़्यादा CC की बाइक है, और जो भी 790 चलाते हैं उनको पता है उसमें ट्विन सिलेंडर इंजन आता है और 390 में नहीं आता है, और काफ़ी की डिमांड थी कि 390 में ट्विन सिलेंडर इंजन आना चाहिए बट KTM ने 390 में तो नहीं दिया, उन्होंने एक 490 की नई बाइक वो एक लॉन्च करेंगे जिसमें वो आपको ट्विन सिलेंडर इंजन दे देंगे और उस बाइक में आपको काफ़ी एडवांस फीचर भी देखने को मिल जाएंगे, और वो जो बाइक का डिज़ाइन होगा वो 790 से इंस्पायर्ड होगा, कम से कम 50-60% तक उससे मिलता जुलता होगा, और थोड़ा सा जो बाकी डिज़ाइन मेरे हिसाब से है वो बिल्कुल फ्रेश एक न्यू बाइक आपके सामने रखने वाले हैं,
और वो हर सेगमेंट में रखेंगे, वो या रेसिंग हो या नेकड हो या सुपर मोटो हो या एडवेंचर हो, आपको हर सेगमेंट में 490 सीसी की एक बाइक देखने को मिल जाएगी। और उस बाइक का जो इंडियन मार्केट में प्राइस होने वाला है वो अभी KTM ने रिवील नहीं किया है, बट अगर हम इन लॉन्च डेट की बात करें तो वो मिड 2021 में आपको देखने को सीरीज मिल जाएगी KTM की तरफ से, जो कि काफ़ी अच्छी न्यूज़ है जिनको ट्विन सिलेंडर इंजन बाइक ज़्यादातर पसंद है। और उस बाइक में आपको काफ़ी एडवांस फीचर भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे TFT डिस्प्ले और अपसाइड डाउन फोर्क सस्पेंशन और भी जो एडवांस फीचर आपको KTM में मिलते हैं वो सभी उसमें आपको देखने को भी मिल जाए। लिस्ट में चौथी बाइक वो यामाहा की तरफ से यामाहा FZ25 बेस्ड एक एडवेंचर बाइक। मैं आपको बता दूं, यामाहा की तरफ से ऐसी इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है कि वो एक एडवेंचर बाइक के ऊपर काम कर रहा है, जो कि FZ25 में जो इंजन यूज़ होता है वही इंजन यूज़ करके वो एक एडवेंचर बाइक को इंडियन मार्केट में लॉन्च करेगा। जैसे कि आप सभी जानते हो, अब एडवेंचर बाइक्स का ज़्यादा क्रेज़ लोगों में बढ़ रहा है, तो हर कंपनी अपनी एक एडवेंचर बाइक इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाली है, तो यामाहा भी पीछे नहीं हटेगा और वो भी एक एडवेंचर बाइक इंडियन मार्केट में उतारेगा। और इसमें आपको जो इंजन मिलेगा वो सेम ही मिलेगा FZ25 का, 250 सीसी का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर टू वाल्व फ्यू FI के साथ BS6 कंप्लायंट इंजन, जो कि पावर जनरेट करेगा 20 से 22 BHP के टॉर्क जनरेट करेगा 18 न्यूटन मीटर की। और इस बाइक में आपको 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स भी देखने को मिल जाएंगे। अगर हम बात करें प्राइस की, तो इस बाइक का जो प्राइस होगा वो 140,000 से 150,000 के आसपास होने वाला है शोरूम प्राइस। और अगर हम FZ25 के बारे में बात करें तो उसका प्राइस इंडियन मार्केट में 140,000 है, तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा, क्योंकि जो एक एडवेंचर बाइक होती है उसमें काफ़ी असेसरीज होती हैं जो कि चाहिए होती हैं एक एडवेंचर बाइक के लिए, ताकि बाइक को प्रोटेक्ट किया जा सके, उसके इंजन को प्रोटेक्ट किया जा सके, और जो उसके पार्ट्स हैं जो कि सेंसिटिव होते हैं थोड़े सा भी लगने पर वो टूट जाते हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, तो उसमें कुछ अटैचमेंट लगते हैं जो कि कॉस्टली आते हैं, तो जिस वजह से इन बाइक का प्राइस थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अगर हम बात करें अपने लिस्ट की पांचवी बाइक की, तो वो है रॉयल इनफील्ड की तरफ से। आप सभी जानते हो रॉयल इनफील्ड की, अगर हम बात करें एडवेंचर बाइक की, तो हिमालयन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। दिक्कत वाली बात यह है कि उसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि वो एक 650 सीसी की बाइक है, और रॉयल इनफील्ड भी प्लान कर रहा है एक उसका लाइटर वर्जन का, जिसमें वो 200 से 250 सीसी का इंजन देगा, ताकि वो हिमालयन इजिली टक्कर दे पाए KTM ड्यूक को या 200 एडवेंचर को आप कह सकते हो, और जो X प्लस के 200 आते हैं उन सभी बाइक को इजीली टक्कर दे पाए। और इसी फील्ड में रॉयल इनफील्ड भी काम कर रहा है, ताकि वो एक लाइटर वर्जन हिमालयन का लॉन्च कर पाए। डिज़ाइन तो सिमिलर ही होगा, बस आपको इंजन का फर्क यहाँ देखने को मिल जाएगा, और उसका प्राइस भी कम होने वाला है। अगर हम बात करें इंजन की, तो इस बाइक में आपको 250 सीसी का सिंगल सिलेंडर BS6 कंप्लायंट इंजन देखने को मिल जाएगा, जो कि पावर जनरेट करेगा 22 से 25 BHP के, साथ ही साथ टॉर्क जनरेट करेगा 20 न्यूटन मीटर की। और इस बाइक में आपको 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स भी देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें कि इस बाइक में आपको क्या एडवांस मिलेगा, तो मैंने आपको जैसे बताया कि जो आपको हिमालयन में फ़ीचर मिलते हैं तो सभी फ़ीचर आपको मिलेंगे, बस इंजन यहाँ पे आपको हल्का मिलेगा, 650 की जगह 250 सीसी का आपको इंजन देखने को मिल जाएगा, और यही डिफरेंस है। अगर हम बात करें प्राइस की, तो वो अभी रॉयल इनफील्ड ने रिवील नहीं किया, तो उसके बारे में हम बात नहीं करते हैं। अगर हम बात करें लॉन्च डेट की, तो 2021 का जो एंड होगा, मतलब फेस्टिवल सीजन होगा, तब ये बाइक आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिल जाएगी। और ये सभी जो मैंने आपको पांच बाइक बताई हैं, ये कंपनी की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन थी, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बताया आपको, जो कंपनी ने अनाउंस किया था मैंने वही आपके साथ शेयर किया है। और ये सब पांचों के पांच कंफर्म बाइक हैं कि ये 2021 में लॉन्च होंगी। और एक बाइक का रूमर्स और फैल रहा है, वो बजाज की तरफ से, कि बजाज NS250 के ऊपर काम कर रहा है, तो वो भी शायद आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि बजाज ने अभी 250 डोमिनार भी लॉन्च की है, और बजाज ऐसा कर सकता है कि वो NS में भी एक थोड़ा सा हाई इंजन के साथ इंडियन मार्केट में लॉन्च कर सकता है 250। तो एक ये छठी बाइक थी, बट इसके बारे में कंफर्मेशन पूरा मैं कंफर्म नहीं हूँ, तो इसलिए मैंने इसको लिस्ट में नहीं रखा था, बट मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल में जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसका अपडेट और नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।